गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और यूट्यूब चैनल इज नवजीवन बिरसाना। आज हम थर्ड क्लास में पढ़ेंगे एक स्टोरी। स्टोरी का नेम है ग्रीडी फार्मर। ये मैंने आपको लास्ट सेकंड क्लास में भी करवाई थी, लेकिन मैं फिर से आपको ये करवा रही हूँ। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है, वंस देयर वाज ए फार्मर। फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान, जो खेती करता है। और वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। वंस देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान होता है। ही हैड ए हैन। हैन मीन्स क्या होता है? मुर्गी। उसके पास में क्या होती है? एक मुर्गी होती है। एक बार एक किसान होता है और उसके पास में एक मुर्गी होती है। इट गेव ए गोल्डन एग डेली। डेली का मीन्स क्या होता है? डेली मीन्स होता है रोजाना। और एग मीन्स क्या होता है? अंडा। गोल्डन मीन्स क्या होता है? सोने का। और गेव मीन्स क्या होता है? देना। और जो ये इट है, ये किसके लिए यूज हुआ है? हैन के लिए। इट गेव ए गोल्डन एग डेली। जो वो हैन थी, वो डेली एक रोजाना एक क्या देती थी? रोजाना एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर वाज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। लालची कौन होता है? जो लालच करता है, जिसके पास जो होता है उसमें भी उसको मतलब कि संतुष्टि नहीं होती, वो उससे भी ज्यादा पाने का जो सोचता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीडी बोलते हैं, लालची बोलते हैं। द फार्मर वाज वेरी ग्रीडी। जो फार्मर था वो बहुत ही ज्यादा कैसा था? ग्रीडी था। मीन्स क्या था? लालची था। ही वॉन्टेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स। वॉन्टेड का मतलब क्या होता है? वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और ये इसके साथ में ईडी लगती है तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। ऑल का मीन होता है सभी। गोल्डन, गोल्डन एग्स मतलब सोने के अंडे। ही मीन्स क्या होता है? वह। ये ही आया है फार्मर के लिए। ही वॉन्टेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स। उसने वह क्या करना चाहता था कि वह एक ही दिन में, एक ही बार में सभी के सभी जो गोल्डन एग्स थे, सोने के जो अंडे थे, वो प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ही कट द हैन। अगली ही सुबह। नेक्स्ट का मतलब अगली। मॉर्निंग मीन सुबह। ही वह कट, काट देता है द हैन, किसको? मुर्गी को। अगली सुबह वो किसको कट कर देता है? उस मुर्गी को कट कर देता है, जो क्या होती है? जो वो, जो उसे एक डेली सोने का अंडा देती है। ही फाउंड दैट देयर वाज नो एग। फाउंड का मतलब होता है पाना। जैसे वो उसे उसने पाया दैट कि देयर वाज नो एग, कि वहां पे कोई भी अंडा नहीं था। जब उसने मुर्गी को कट ही कर दिया, मुर्गी को उसके उसने पेट में देखा कि अंडे है या नहीं है। उसके पहले मन क्या हुआ था? पहले उसके मन में लालच आ गया कि उसने सोचा कि मैं एक ही बार में सारे अंडे प्राप्त कर लेता हूँ। और उसने क्या किया था? मुर्गी को कट कर दिया था। मुर्गी को कट करने के बाद में उसने देखा, उसने पाया कि वहां पे कोई भी अंडा नहीं है। देयर वाज नो एग, वहां पे कोई भी अंडा नहीं है। द फार्मर वाज वेरी सैड। फार्मर जो था वो क्या हो गया? सैड हो गया। सैड मीन्स क्या होता है? दुखी होना। जो फार्मर था वो बहुत ही सैड हो गया। अब इसका अपने मोरल की बात करते हैं। मोरल का मतलब होता है कि इस स्टोरी को पढ़ के हमें क्या मोरल मिलती है। मोरल का मतलब होता है शिक्षा, कि हमने इस स्टोरी को पढ़कर हमने क्या सीखा। इस स्टोरी को पढ़कर हमने ये सीखा कि डोंट बी ग्रीडी। डोंट का मतलब होता है नहीं, बी का मीन्स होता है बनना, ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची। हमें लालची नहीं बनना चाहिए। ओके, थैंक यू।